हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। और आज हम बात करने वाले गोदा कैपकॉन एंड सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में कि यहाँ पर कब अपर सर्किट लग सकता है एंड कब इसे आप सेल कर पाओगे। एंड इसके अलावा अगर आप सेल नहीं कर पा रहे हो तो फिर एमओ ऑर्डर से सेल हो पाएगा या नहीं। एंड हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर फिलहाल कितने बायर आ रहे हैं और कितने सेलर्स हैं इस स्टॉक को सेल करने के लिए। बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले ना फ्रेंड्स, मैं आपको ना इसका चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा, आखिर ये कैसे मूव कर रहा है। अगर हम इसका वन मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो बहुत ही अच्छा जंप किया था, अराउंड 50% का रिटर्न्स मिला था हमें। कितने दिनों में? विद इन 16 डेज 50% का रिटर्न्स, बहुत ही अच्छा रिटर्न्स होता है। सिक्स मंथ की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दिया था, मोर देन 800, जैसा कि 840% के आसपास जो फ्रेंड्स स्टॉक रिटर्न दे चुका था। एंड अभी अगर आप देखोगे तो स्टॉक कितना गिर चुका है, लेट मी शो यू, अराउंड 30% के आसपास बोल सकते हैं आप, ये स्टॉक जो है गिर चुका है अराउंड 30%। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है बोल सकते हैं आप, कुछ दिनों से कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लग रहा है, जिस वजह से 30% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो अब ये और कितना नीचे जा सकता है, उसके लिए ना हम थोड़ा इसका 52 वीक्स हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस देखना चाहेंगे। अगर आप देखें तो लोएस्ट प्राइस है 1 रुपये, दैट मीन्स कि 1.5 रुपये के आसपास, एंड हाईएस्ट जो है 29.75 रुपीज़ के आसपास। दैट मीन्स कि ये स्टॉक जो है अब तक 10 रुपये गिर चुका है, लेकिन 10 रुपये नहीं, 30% के आसपास। एंड ये अगर बहुत नीचे गिरता है तो 1.5 से 2 रुपये के आसपास भी जा सकता है। लेकिन देर इज अ पॉसिबिलिटीज कि ये स्टॉक 15 से 16 रुपये के आसपास आने के बाद आपको मौका देगा इसे सेल करने का। बट बता दूं कि ये वीडियो ना सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसे मेरी गाइडेंस या फिर ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन है, इसे आप डिसीजन मत मान लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि आपको मौका मिले और कल शायद अपर सर्किट लग जाए, एंड अगर आप इसे सेल कर देते हो अगर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पे, तो हो सकता है कि उसके बाद जो है अगर अगेन अपर सर्किट लगता है और ये स्टॉक क्रॉस कर देता है 34 रुपीज़ के आसपास चला जाता है, तो नो डाउट कि आप वापस आओगे और मुझे आप ब्लेम करोगे कि तेरे वजह से मैंने ये सारे के सारे स्टॉक सेल कर दिए और आज देखो मेरा पैसा रिकवर हो करके मैं प्रॉफिट भी कमा लेता, बट तेरे वजह से मुझे लॉस हो गया। सो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और बता दूँ, बहुत ही कम स्टॉक के साथ ऐसा होता है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको मौका मिले तो एवरेज का मतलब ये कि आप आधी सेल करें एंड कुछ समय के लिए और आधे को रखे रहें, ताकि वो अगर और थोड़ा ऊपर जाता है तो समय पर आप उसे सेल कर पाएँ। एंड अभी ये कितना नीचे जाएगा, तो अभी ये और 20 से 30% के आसपास डाउनफॉल हो सकता है। तो बता दूं कि अभी फिलहाल ये 19 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 20 रुपये के आसपास, तो ये वापस जो है नो डाउट के 16 रुपये के आसपास जाएगा, तो आपको अगेन मौका मिलेगा। एंड अगर आप इसे और लंबे समय के लिए होल्ड करोगे कि वापस जो है 30 रुपये के आसपास जाएगा तो मैं इसे सेल करूँगा, तो बता दूँ कि शायद एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि स्टॉक फिर से गिर करके जो है आपको देखने को मिलेगा कि 12 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा हो। एंड उसके बाद फिर से आप कॉपर सर्किट देखने को मिलेगा, वहाँ फिर से अगर आप नहीं सेल करोगे तो ये वापस गिर करके 2 से 4 रुपये के आसपास भी आ सकता है। देयर आर पॉसिबिलिटीज, ऐसा नहीं है कि यही होगा, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। हम ना इसका थोड़ा 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। 5 ईयर्स में अगर आप देखें, गजब का धुरंधर रिटर्न्स, 971% का रिटर्न्स, ठीक है। एंड अगर हम देखें मैक्स का चार्ट पैटर्न, तो अभी भी हमें जो है वही सेम थिंग देखने को मिला। सो नो डाउट यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं देखने को मिला, लेकिन बता दूं कि स्टॉक बहुत ही ऊपर आ चुका है फ्रेंड्स, बहुत ही ऊपर, अराउंड 800-900% का हमें यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है। कितने दिनों में? बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आपको 5 साल दिखा दूँ, इसका मतलब नहीं है कि 5 साल में हमें रिटर्न मिला है। हमें रिटर्न मिला है मान के चलिए 2021 के ईयर एंड, ठीक है, उस समय ये स्टॉक 3-4 रुपये के आसपास था। एंड अगर आप अभी देखोगे तो बोल सकते हो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर जो है हमें यहाँ पर 600 गुना, दैट मीन्स 600% का रिटर्न्स, मोर देन 600% का रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन अभी जो डाउनफॉल हो रहा है ना, उसे जो बंदा एक्सपीरियंस कर रहा है उसे ही पता है कि आखिर ये यहाँ पर चल क्या रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। मार्केट कैप की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो 433 करोड़ की जो मार्केट कैप है, अच्छी खासी मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। बट फिर भी ऑपरेटर्स के पास अच्छा खासा पावर होता है, किस चीज़ का? पैसे का पावर अच्छा खासा होता है, एंड दैट्स वाई जो है वो ये इसे बहुत ही इजीली मैनिपुलेट कर पाते हैं। शॉर्ट में कितने लोगों ने लास्ट टाइम बाय किया था एंड कितने लोगों ने इसे जो है सेल किया। हम लोग आ चुके हैं NSE की वेबसाइट पे, एंड अगर आप देखोगे, हाँ, ये स्टॉक जो है NSE पे ही ट्रेड करता है। एंड अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो ये स्टॉक जो है 19.50 रुपये के आसपास जब स्टैंड कर गया था, तो उस समय 19,32,496 शेयर्स स्टैंड थे सेल होने के लिए, बट सेल नहीं हो पाए। अगर आप थोड़ा नीचे आते तो आपको देखने को मिला कि हाँ, यहाँ जो है इस लेवल पर जो है सेल बायर्स भी आए हुए थे, ठीक है।
ठीक है। सो अगर आप थोड़ा नीचे आते तो आपको देखने मिलेगा टोटल बाय क्वांटिटी बात करें ये कौन एट द ऑर्डर टाइम में जो है अराउंड 340 बोल सकते हैं 350 स्टॉक्स जो है लोग बाय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेल कितना करना चाहते थे लोग 1,68,000 टोटल की बात करें तो 21,90,000 के आसपास जो है लोग इसे सेल करना चाहते थे। सो नो डाउट कि आपको यहाँ पर बायर्स भी देखने को मिले थे, अराउंड 14,112 शेयर्स लोग बाय करने की कोशिश कर रहे थे। कौन से टाइम में? प्री मार्केट आवर्स, प्री ओपन मार्केट, जैसा कि प्री ओपन मार्केट आवर्स में जो है हमें यहाँ पर बायर्स भी देखने को मिले हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है, आप अगर इसे सेल करना चाहते हैं तो आपको जो है थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा एंड प्री मार्केट से ही थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन बात बता दें कि अगर लक हुआ तो शायद आपका सेल क्विकली हो सकता है। फ्रेंड्स ये स्टॉक 20 रुपये 50 पैसे के आसपास जो है बहुत सारे बायर्स यहाँ पर रहते हैं, अराउंड 14,112 स्टॉक्स कुछ कोई बाय करने की कोशिश कर रहा था एंड उस समय अगर आप यहाँ पर दिमाग लगाते तो शायद आपका स्टॉक भी सेल होता एंड उसके बाद चार स्टॉक्स उसके बाद देखता हूँ 40 शेयर्स उससे पहले जो है 7,487 शेयर्स को लोग बाय करने की कोशिश करते हैं। बट पॉइंट क्या है ना कि प्री मार्केट में शायद लोग सेल भी नहीं कर पाते, दैट्स वाई अगर देखोगे तो इस आवर्स में कोई सेलर भी नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद जब हम सेल कर पा रहे हैं उस समय हमें यहाँ पर कोई बायर ही नहीं देखने को मिल रहा है। सो इसी प्रकार से ये काम करता है क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है जहाँ पर हमें अभी फिलहाल लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। दैट्स ऑल, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को प्रीफर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने फंडामेंटल एंड बैलेंस एंड ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में समझाने की कोशिश की ऑफ गोदा कैपकॉम एंड इंसुलेशन लिमिटेड। मिलते हैं अगले वीडियोस में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।